रिवाइवल हेयर सैलून के डायरेक्टर विष्णु कुमार शर्मा से बात की हमारे संवाददाता गौरव ठाकुर ने। रिवाइवल हेयर सैलून नोएडा सेक्टर 29 में है। हेयर सैलून में सर्जिकल एंड नॉन सर्जिकल के बारे में, हेयर रिमूवल के बारे में भी गौरव ठाकुर ने इस पर चर्चा की। आइए आपको सुनाते हैं। मैं हूँ गौरव ठाकुर नेशनल इंडिया न्यूज से, और आज हम आप पहुँचे हैं नोएडा में, जहाँ पर रिवाइवल हेयर सॉल्यूशंस के डायरेक्टर मिस्टर विष्णु शर्मा जी हमारे साथ हैं। विष्णु जी, सबसे पहले नेशनल इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि रिवाइवल हेयर सॉल्यूशंस में आप क्या प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देते हैं कस्टमर्स को, और हेयर रिप्लेसमेंट का आप काम करते हैं, तो हेयर रिप्लेसमेंट में क्या प्रोसीजर है आपका हेयर रिप्लेसमेंट के लिए कस्टमर्स के लिए? सर, हेयर रिप्लेसमेंट जो होता है वो टू टाइप्स में होता है, सर्जिकल एंड नॉन सर्जिकल। नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट करते हैं हम नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट में एक्सपर्ट हैं। नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट एक रिस्क फ्री हेयर रिप्लेसमेंट है। इसमें हम क्लाइंट को वैक्स, हेयर पैच एंड एक्सटेंशन प्रोवाइड कराते हैं। जब भी कोई क्लाइंट हमारे हेयर लॉस की प्रॉब्लम के साथ हमारे क्लिनिक पर विजिट करता है, तो सबसे पहले हम उनका मेजरमेंट लेते हैं। मेजरमेंट लेने के साथ साथ उनके हेयर का सैंपल भी लिया जाता है, जिससे कि उनका हेयर टेक्सचर एंड कलर एनालाइज किया जा सके। देन हम पैच प्रिपेयर करते हैं। इसके साथ साथ हम कैंसर पेशेंट के लिए विक्स भी प्रोवाइड कराते हैं। कैंसर पेशेंट की जब कीमोथेरेपी होती है तो उनका हेयर लॉस हो जाता है, जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। कैंसर पेशेंट्स के लिए हम ऑन कॉस्ट पे विक्स प्रोवाइड कराते हैं। ओके, थोड़ा सा आप ये जो विक्स बनाते हैं सर, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दीजिए कस्टमर्स के लिए। सर, जो हम विक्स बनाते हैं, इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कैंसर पेशेंट्स के लिए हमारे पास आना पड़ता है, जिससे कि उनके हेड का मेजरमेंट लिया जाता है। मेजरमेंट लेने के बाद ही उनका विक्स प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि उनकी हेड पे बिल्कुल फिक्स आए, वो उनके साइज का होगा। हर किसी के हेड का साइज सेप अलग अलग होता है, तो सबसे पहले उनकी हेड का साइज और सेप लिया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग विक्स रेडी किया जाता है। रॉ मटेरियल्स जो है इसके लिए रिवाइवल हेयर सॉल्यूशंस कहाँ से प्रोक्योर करता है, इसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए। सर, रॉ मटेरियल्स के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल नीड जो होती है वो हमारे लिए हेयर्स की नीड होती है। हम जो यूज करते हैं वो 100% ह्यूमन हेयर यूज करते हैं। 100% ह्यूमन हेयर जो हम बाय करते हैं वो तिरुपति बालाजी से इम्पोर्ट होता है। एंड इसके साथ साथ ही रॉ मटेरियल में फिलामेंट भी यूज होता है। फिलामेंट जो यूज होते हैं वो हम कोरिया से इम्पोर्ट करते हैं, साउथ कोरिया से। एंड इसके साथ साथ भी जितने भी टेप्स, एडहेसिव्स वगैरह यूज होते हैं वो हम USA से इम्पोर्ट करते हैं। एंड ये जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ये स्पेशली फॉर हेयर रिप्लेसमेंट के लिए बनाए गए हैं। इनका की कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। देयर इज अ लॉट ऑफ कंपेंस साउथ कोरिया से। एंड इसके साथ साथ भी जितने भी टेप्स, एडहेसिव्स वगैरह यूज होते हैं वो हम USA से इम्पोर्ट करते हैं। एंड ये जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ये स्पेशली फॉर हेयर रिप्लेसमेंट के लिए बनाए गए हैं। इनका की कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन इन हेयर सॉल्यूशंस लाइन, तो इस कॉम्पिटिशन को आप किस तरह से कोप करते हैं सर? सर, कंपटीशन में हम जो प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं वो हम चीपेस्ट रेंज पे प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं। एंड जो सर्विस क्वालिटी है हम वो अपनी सर्विस क्वालिटी गुड रखते हैं। हमारे पास जितना भी स्टाफ है वो वेल ट्रेंड स्टाफ है हमारे पास। एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। आजकल काफ़ी तो हेयर लॉस एक समस्या हो चुका है पोल्यूशन के कारण, खास करके दिल्ली नोएडा साइड में, तो इसके लिए सर आप क्या टिप्स देते हैं? सर, टिप्स यही है। विष्णु जी, ये बताइए कि कोविड के बाद कैसा मार्केट रिस्पॉन्स है रिवाइवल हेयर सॉल्यूशंस का? सर, कोविड के बाद अभी तो मार्केट ठीक है, लेकिन जो कोविड से पहले मार्केट जितना अच्छा था वो अभी तो नहीं हो पाया है, लेकिन धीरे धीरे करके वो प्रिक्योर हो रहा। रिकवर कर रहा है। ये सर हेयर सॉल्यूशंस के लाइन में क्या रिस्क्स हैं, मतलब इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए, और अगर कोई हेयर ट्रांसप्लांट कराने आए तो क्या इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं सर? सर देखिए, इसकी कोई रिस्क नहीं है। ये नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट एक ऐसा प्रोसीजर है जिसकी कोई बाउंडेशंस नहीं है। इसमें जितने भी प्रोडक्ट यूज होते हैं वो स्पेशली वो हेयर रिप्लेसमेंट के लिए मैन्युफैक्चरिंग हुए होते हैं, जिनका की कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट में कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो
ये थे हमारे साथ विष्णु शर्मा जी, डायरेक्टर रिवाइवल हेयर सॉल्यूशंस नोएडा से, जिन्होंने हमें हेयर सॉल्यूशंस के बारे में जानकारी दी। खबरें अभी जारी रहेंगी नेशनल इंडिया न्यूज़ पे। धन्यवाद विष्णु जी नेशनल इंडिया न्यूज़ से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।